हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फोर क्लास सिक्स्थ इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट है। जो पोएम है आपकी काइट, उसी को हम रिकॉल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन द फॉलोइंग स्पेस रिकॉल एंड राइट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम काइट। तो बेटा लास्ट वर्कशीट में और उससे लास्ट वर्कशीट में भी हमने काइट पोएम के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फेवरेट लाइंस जो आपको काइट पोएम में सबसे अच्छी लगी वो लाइंस आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है पोएम दी गई है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे या आप अपनी बुक निकाल के और उसमें जो आपको अच्छी लाइन्स है वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम आपको दी गई है, तो यहाँ से बेटा जो भी लाइन्स आपको अच्छी लगती हैं वो लाइन्स आप जो है यहाँ से ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि आप जो है फर्स्ट फोर लाइन्स, ये फर्स्ट जो है फोर लाइन्स आप लिख दीजिए, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड है अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पर ये जंबल्ड वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, अरेंज करने हैं इनटू देयर मीनिंगफुल वर्ड्स। तो आइए बेटा इनको कर लेते हैं। देखिए आर ई जेड बी डबल ई, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ से क्या बनेगा, तो इसको जब हम मीनिंगफुल इसका जो वर्ड है वो बनाएंगे, वो क्या बनेगा, वो बनेगा ब्रीज। देखिए बी आर डबल ई जेड ई, तो ये आप लिख दीजिए ब्रीज, क्या बना ब्रीज। उसके बाद देखिए बी जी आई एस टी आर एन, तो क्या बनेगा बेटा, इसका बनेगा स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग, ठीक है। थर्ड देखिए ई एस टी सी आर, तो ये क्या बना क्रस्ट, सी आर ई एस टी, ठीक है, सी आर ई एस टी, क्या बना ये क्रस्ट, क्रस्ट यानी हाइट, ठीक है बेटा, हाई टॉप जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट देखिए आर आई जी टी एच बी, तो ये क्या बना, ये बना ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, ये बन गया आपका यहाँ से ब्राइट, ठीक है। ए है आपका ब्रीज, बी है आपका स्ट्रिंग, सी है क्रस्ट एंड डी है आपका ब्राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री, रीड द स्टेंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन कंप्लीट सेंटेंस टेकिंग द हिंट्स प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर देखिए आपको बेटा ये स्टेंजा गिवन है, तो यहाँ पर पोएम का जिस स्टेंजा से आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको लिखने हैं और साथ में हिंट भी गिवन है, ठीक है। देखिए बेटा आपको स्टेंजा दिया गया है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, इसको हम रिकॉल करेंगे कि जो काइट है न्यू काइट वो बहुत ही ब्राइट लगता है जब वो नया होता है स्काई में उड़ता हुआ, विद अ डाइव एंड अ डिप, डाइव करता हुआ यानी गोता मारता हुआ फिर ऊपर आता हुआ, इट स्नैप्स इट्स टेल, अपनी टेल को जो है वो ऐसे लहराता हुआ, देन सोर्स लाइक ए शिप, और सोर यानी राइज, ठीक है, सोर मीन्स क्या होता है बेटा राइज, यानी शिप की तरह से ऊपर उठता हुआ ऐसे पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, विद ओनली अ सेल, अपनी सेल के जैसे शिप जो है वो सेल के साथ आगे बढ़ता है, इसी तरह काइट भी जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, तो बेटा जैसे यहाँ किससे कंपैरिजन किया गया है, शिप से कंपैरिजन किया गया है, जैसे शिप जो है वो जो टाइड्स होती है ना लहरें उनके ऊपर जैसे चलता हुआ आगे बढ़ता है, इसी तरह जो काइट है वो भी किसके ऊपर राइड कर रहा है, विंड्स के ऊपर, हवाओं के ऊपर राइड कर रहा है, क्लाइम टू द क्रस्ट, और क्रस्ट यानी जो टॉप है चोटी है ऊंचाई तक चला जाता है, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स एंड सीम्स टू रेस्ट, और जैसे ही जो हवाएं रुकती हैं, ठीक है, या आप जो है जो स्ट्रिंग है रस्सी है उसको पीछे खींचते हैं तो वो उड़ना बंद कर देता है, तो ऐसा लगता है कि मानो ये अब क्या करेगा, अब ये रेस्ट करेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए इनको करते हैं।
सो देखिए वेयर इज द काइट, काइट कहाँ है बेटा, द काइट इज इन द स्काई। तो आपको मैं आंसर बता देती हूँ, यहाँ से आप आंसर लिख लीजिए। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, देखिए फर्स्ट आंसर क्या होगा, द काइट इज इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट है इसका, व्हाट डज द वर्ड सोर मीन। तो बेटा सोर का जो है मीनिंग क्या होता है, सोर मीन्स राइज। तो ये बेटा करते हैं आंसर, सो यहां से आप लिख लेंगे आंसर टू, सोर मीन्स राइज। सोर का मीनिंग क्या होता है, राइज। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, व्हाई डज द काइट सोर हाई। तो काइट जो है, व्हाई डज द काइट सोर हाई, तो उसके अंदर जो विंड की पावर है उससे वो जो है ऊंचाई पर जाता है। तो ये बेटा करते हैं आंसर, आंसर थ्री लिखेंगे, ड्यू टू द पावर ऑफ द विंड द काइट सोर हाई। जो विंड की पावर है उसके कारण जो काइट है वो हाई ऊंचाई पर जाता है, द काइट सोर हाई। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड फॉल्स। क्या होता है बेटे, जब विंड जो है वो फॉल होती है तो काइट जो है ऐसा लगता है मानो कि वो रेस्ट कर रहा है। सो बेटे आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन द विंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो व्हेन द विंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट, ये वाला आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट इसका पार्ट है ई पार्ट, स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टेंजा। तो यहाँ पर इसमें स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड है, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जो एक लय में वर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो राइमिंग वर्ड होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। जैसे देखिए ब्लू न्यू, ठीक है, ये क्या है, न्यू ब्लू, ये क्या है, ये जो है ये राइमिंग वर्ड हैं। इसी तरह आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, टेल सेल टाइड्स राइड्स, ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द राइमिंग वर्ड। तो आइए बेटा लिख लेते हैं इनको, सो यहां से आप इसका आंसर करेंगे, देखिए न्यू ब्लू, डिप शिप, टेल सेल, टाइड्स राइड्स, रेस्ट क्रेस्ट, राइड्स टाइड्स, ये बेटा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये जो है आप क्या लिखेंगे, ये सारे क्या है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो फाइव जो है टोटल आप राइमिंग वर्ड्स जो है लिखेंगे। ओके सो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।